झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपनी आवास में मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह के दौरान हाल में हुए ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मौके पर 2 मिनट के लिए सबने मौन रखा और श्रद्धांजलि दी। मौके पर रामेश्वर उरांव ने पतंग भी उड़ाया और साथ ही द नेटवर्क से खास बातचीत के दौरान कहा कि झारखंड में ऑर्गेनिक खेती को लेकर बहुत ही स्कोप है। झारखंड अगला सिक्किम राज्य बन सकता है, लेकिन कई जटिलता भी है, जैसे मार्केट को लेकर। आइए सुनते हैं रामेश्वर उरांव ने क्या कुछ कहा। झारखंड में ऑर्गेनिक खेती को लेकर क्या पोटेंशियल है, क्योंकि सिक्किम जैसा ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है। हाँ। क्या हम सोच सकते हैं कि झारखंड में एक दिन वैसा बनेगा? एकदम सोच सकते हैं। यहाँ तो जब ये हरित क्रांति का कुछ असर आया तो खाद का प्रयोग किसान कर रहे हैं। इसके पहले तो ऑर्गेनिक खेती ही होती थी यहाँ, और फिर हम उस ओर मुड़ रहे हैं। हमारा भी स्टेट उस ओर मुड़ रहा है ऑर्गेनिक खेती की ओर, जीरो बजटिंग एग्रीकल्चर की ओर हम बढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमें सफलता मिलेगी। समय जो लगे लेकिन सफलता मिलेगी। आपके हिसाब से क्या चैलेंजेस हैं इसमें? चैलेंजेस है उसमें एक तो मार्केट का, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर में मार्केट का। वो पैदा तो करेंगे लेकिन बेचेंगे कहाँ? ऑर्गेनिक का दाम ज़्यादा होता है, कम पैदा होता ज़रूर है लेकिन दाम ज़्यादा होता है, लेकिन मार्केट खोजना है हमको। तो सरकार को चाहिए, विभाग को चाहिए कि वो मार्केट खोज करके किसानों को दे। एक तो एक जगह लावे, जमा करे कहीं अनाज को, ऐसे ऑर्गेनिक अनाज को, और उसके बेचने की भी व्यवस्था करे। ये हमको करना होगा। सुनने मारा था कि आप लोग सिक्किम भेजने वाले हैं कुछ किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए। अभी तो कोरोना है, उसके बाद विचार करेंगे। हाँ। तो क्या हम लोग सोच सकते हैं कि आप आगे बेचेंगे? मतलब नहीं, इस पर हम बात करेंगे मंत्री जी से, बादल जी से, और फिर कैसे करेंगे इसको देखना होगा।